नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक महाराष्ट्र है। आज हम लोग महाराष्ट्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज देखेंगे कि महाराष्ट्र जो है उसका पूरा मैप आप यहां पर बोर्ड पे देख रहे हैं। इसके अंदर सारी डिटेल मैंने मेंशन कर रखी है, महत्वपूर्ण जितनी भी महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं वो सभी चीज़ें यहाँ मेंशन कर रखी है। जो मुख्य नदी गोदावरी है उसकी ट्रिब्यूटरी मैंने यहाँ पर बना रखी हैं, ठीक है, इसकी भी चर्चा कर लेंगे। पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के बारे में, आपको पता लगेगा कि किस तरह से परीक्षा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि महाराष्ट्र जो स्टेट है, आपका जो प्रदेश है, इसके चारों तरफ ये किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो दोस्तों, याद रखें कि महाराष्ट्र का जो उत्तर का हिस्सा है, उत्तर का हिस्सा यानी मध्य प्रदेश याद रखेंगे, तो ऊपर की तरफ आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा यानी उत्तर में, ठीक है। इधर जब हम लोग जाएंगे महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में, तो दोस्तों यहाँ पर गुजरात के साथ सीमा लगेगा, मतलब गुजरात आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब इसके पश्चिम में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा अरब सागर, इसके पश्चिम में अरब सागर देखने को मिलेगा। जब इसके दक्षिण में आएंगे तो आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा। जब इसके दक्षिण पूर्व में जाएंगे तो आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। जब इसके पूर्व में देखेंगे तो तेलंगाना के साथ शेयर करेगा सीमा। और इसके जब दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पर गोवा, जो कर्नाटक से आप देखे रहेंगे, गोवा टच करता है कर्नाटक से, तो नीचे यहाँ पर नीचे की तरफ वो गोवा दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आपको ये महत्वपूर्ण बाउंड्रीज जो हैं प्रदेश की लगी हुई दिखाई देंगी। तो इस तरह से आप आइडिया लगा पाएंगे कि ये किन किन प्रदेशों से और किस प्रकार और किस तरह से सागरों से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। तो चारों तरफ का आपका मैप क्लियर हो गया और महाराष्ट्र बीचों बीच में आपको चीज़ दिख गई। अब जो महाराष्ट्र के अंदर जो नदियां हैं उसको हम लोग देख लें, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी आपके दिमाग में आएगी वो है गोदावरी नदी। दोस्तों, तो गोदावरी नदी जो है निकलती कहाँ से दोस्तों, तो ये नासिक के पास से निकलती, नासिक यहीं पर, देखिए नासिक मैंने लिख रखा है, नासिक जिला इसी तरफ पड़ेगा। नासिक में त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। तो त्र्यंबक क्या देखेगा, तो ये नासिक है, नासिक के पास एक जगह है जिसका नाम है त्र्यंबक, तो त्र्यंबक से ये निकलती, याद रखिएगा। अब चूंकि हम गोदावरी की बात कर लें तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज की बात कर लें, सहायक नदियों की बात कर लें, तो देखेंगे ऊपर से कौन कौन सी नदियां जुड़ रही हैं। ऊपर से यानी कि जो डायरेक्शन है इसकी, उस डायरेक्शन के अनुसार बाएं हाथ पे कौन कौन सी नदियां इससे लगी हुई हैं। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी मैंने अलग बना रखी है, ऊपर से पूर्णा नदी आ रही है, फिर पेन गंगा आ रही है, फिर वर्धा आ रही है, फिर वेन गंगा आ रही है, फिर इंद्रावती आ रही महत्वपूर्ण नदी है, फिर सबरी आ रही है, और नीचे यानी दाएं हाथ से जो है वो मंजरा नदी आ रही है। तो इस तरह से आप नदियों का क्रम याद कर लेंगे, नदियां गोदावरी के साथ कौन कौन सी नदियां बाउंड्री, कौन कौन सी नदियां उसके साथ लगी हुई, ट्रिब्यूटरी कौन, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, दाएँ हाथ से कौन सी नदी है और बाएँ हाथ पर कौन सी नदी लग रही है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है, मैंने बोल दिया, आप उसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे और कौन सी नदी इसके अंदर आ रही है, तो हम लोग देखेंगे कि सारी की सारी नदियाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरब की तरफ जा रही हैं, जिसमें से भीमा भी एक नदी है, पंचगंगा भी है, दूधगंगा भी। हालांकि ये जो पंचगंगा, भीमा, ये पंचगंगा और दूधगंगा जो है ये है आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना, लेकिन तो महाराष्ट्र से सह्याद्री से ही निकल रही हैं, वहाँ के पानियों से ही निकल रही हैं। जैसे कि हम कृष्णा की अगर बात कर लें तो कृष्णा जो है यहाँ देखेंगे एक महाबलेश्वर की पहाड़ी है, तो महाबलेश्वर कहाँ पर पड़ेगा, सह्याद्री में पड़ता है, तो महाबलेश्वर से ही नदी जो है वो निकलती है आपकी कृष्णा नदी दोस्तों।
तो कृष्णा नदी के साथ ये पंचगंगा और दूध गंगा जाके ट्रिब्यूटरी के रूप में जुड़ जाती हैं, लेकिन निकलती कहाँ से, महाराष्ट्र से ही निकल रही है। तो महाबलेश्वर कहाँ पर है दोस्तों, सह्याद्री में। सह्याद्री कौन सी, किसकी सह्याद्री, महाराष्ट्र की सह्याद्री की बात करें, क्योंकि सह्याद्री की जो बेल्ट है वो कई प्रदेशों में है, वो कर्नाटक में भी है, गोवा में भी है, फिर गुजरात में भी है, ठीक है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, ठीक है। तो पूरी ये एक पश्चिमी घाट जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो महाबलेश्वर याद रखिएगा, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। तो कृष्णा नदी तो कर्नाटक में भी जाती है, बड़ा हिस्सा कर्नाटक में है, मगर छोटा हिस्सा जहाँ से निकलती है वो महाराष्ट्र में भी है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर अब हम लोग ये दो नदी, ये सब नदियाँ हम लोगों ने देख ली। अब ये तो नदियाँ पूरब की तरफ फ्लो हो रही थी, हमारी गोदावरी भी पूर्व की तरफ फ्लो हो रही है, भीमा भी पूर्व की तरफ जा रही है, पंचगंगा भी जा रही है, दूध गंगा भी जा रही है, कृष्णा भी जा रही है, ये सभी नदियाँ पूर्व की तरफ। कोई एक ऐसी नदी है जो महाराष्ट्र के अंदर से फ्लो कर रही हो और पश्चिम की तरफ जा रही हो, तो आप कहेंगे हाँ वो है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से होकर आ रही है, लेकिन ये महाराष्ट्र से भी होकर गुजरती है, ठीक है। महाराष्ट्र से गोवा में, गुजरात में प्रवेश करती है, गुजरात से फिर खंबाल की खाड़ी में जाके वहाँ पर अरब सागर में गिर जाती है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़, इस ताप्ती नदी के ऊपर, जो ताप्ती नदी है उसके ऊपर है सतपुड़ा की पहाड़ी, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ी, और उसके ऊपर नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। तो इसके बीच में कौन सी पहाड़ी आ जा रही है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी आ जा रही है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि नर्मदा घाटी और ताप्ती घाटी के बीच में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हमको देखने को मिलेगी। अब हम क्रम देख लें कि जब सतपुड़ा की पहाड़ी हम लोग देखेंगे तो सब, अगर प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो प्रदेश के पश्चिम वाले हिस्से में हमको सतपुड़ा की पहाड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सतपुड़ा देखिए पश्चिम वाले क्षेत्र में। अब पश्चिम से हम लोग पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो हमें कौन कौन सी पहाड़ी देखने को मिलेगी, तो दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ी पहले नंबर पर पश्चिम में, फिर पूर्व बढ़ेंगे तो राजपीपला की पहाड़ी मिलेगी, फिर उसके बाद फिर पूर्व में तो गाविलगढ़ की पहाड़ी मिलेगी, फिर उसके बाद बढ़ेंगे मैकाले की पहाड़ी हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से एक क्रम देखने को हमें मिला है, जो कि उत्तरी इलाके में, जो कि महाराष्ट्र का उत्तरी वाला जो एरिया है वहाँ पर ये पहाड़ियों का क्रम देखने को मिलेगा। इन पहाड़ियों का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र से भी टच कर रही है, इसलिए मैंने आपको इन पहाड़ियों के बारे में बता दिया, जिससे आपको पहाड़ियों का क्रम भी तैयार हो जाए। अब हम लोग देखेंगे, जब हम लोग मध्य में आएंगे, मध्य से थोड़ा सा ऊपर रहेंगे, लेकिन हम लोग महाराष्ट्र के अंदर कम्प्लीटली रूप से जो महाराष्ट्र के अंदर पहाड़ियाँ हैं उनका क्रम अगर हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे तो हमको सतमाला की पहाड़ी देखने को मिलेगी, अजंता की पहाड़ी देखने को मिलेगी और महादेव की पहाड़ी को मिलेगी, यानी सतमाला, अजंता और महादेव की पहाड़ी हमें देखने को मिल रही है। अब हम लोग देखें बिल्कुल मध्य में आ जाएं तो हरिश्चंद्र की पहाड़ी और बालाघाट की पहाड़ी बिल्कुल मध्य में आपको देखने को मिलेगी। पश्चिम में हरिश्चंद्र की पहाड़ी है और बालाघाट की पहाड़ी पूर्व में हमको देखने को मिलेगी। फिर और नीचे आ जाए तो महादेव की पहाड़ी नीचे देखने को मिलेगी। एक महादेव की पहाड़ी मैंने ऊपर पढ़ी, महादेव की पहाड़ी नीचे भी है, ठीक है, यानी कि दक्षिण में, महाराष्ट्र के दक्षिण में भी महादेव की पहाड़ी एक देखने को मिलेगी। अच्छा, अब हम ऊपर से, अब ये तो हमने पश्चिम से पूर्व की तरफ एक क्रम देखा, लेकिन जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर आएगी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, फिर सतमाला की पहाड़ियाँ, फिर हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, फिर महादेव की पहाड़ियाँ। तो ये कैसे क्रम है दोस्तों, ऊपर से मतलब कि उत्तर से दक्षिण की तरफ पहाड़ियों का क्रम है। तो जब अगर आपको मैप में अगर आपने इन चीज़ों को देख रखा है, सिर्फ देख रखा है, तो आप अगर क्रम आ गया परीक्षा में तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। फिर अगर हम लोग देख ले चोटियों की बात, तो चोटियों में हम देखेंगे तो सबसे ऊंची चोटी जो महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों, उसका नाम है कालसूबाई की चोटी, यानी कि महाराष्ट्र की सबसे ऊँची चोटी जो है कालसूबाई है, जो कि सह्याद्री में पड़ती है दोस्तों। लेकिन अगर हम चोटियों का क्रम देखें तो उत्तर में सलहर की चोटी है, फिर सप्तशृंगी की चोटी मिलेगी आपको, फिर उसके बाद कालसूबाई की चोटी, फिर शिंगी की चोटी मिलेगी, फिर तोरण की चोटी मिलेगी, फिर महाबलेश्वर की पहाड़ी जो चोटी वहाँ पर है, फिर उसके बाद यहाँ पर कोई और चोटी, महत्वपूर्ण चोटी देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ महाबलेश्वर है वहीं पर, जहाँ से कृष्णा नदी निकली वहीं पर कोयना का जलाशय, कोयना रिजर्वेयर देखने को मिलेगा आपको, कोयना जलाशय। तो कोयना कहाँ पर है, कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है दोस्तों, तो वो है हमारा महाराष्ट्र में देखने को हमको मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देखें, जैसे कि हमने जो ग्रीन कलर से
जो शेडेड लाइन मैंने यहाँ बना रखी ग्रीन कलर से, ये पूरी जो ये तट रेखा मैंने बना रखी है, ये तट को बोलते हैं कोंकण तट। ये पूरा जो महाराष्ट्र में जो तट देखने को मिल रहा है, जो कोंकण तट बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी कोंकण तट के पूरब में हमको मिलती है सह्याद्री। सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट की पहाड़ी, जो पहाड़ी जिसे हम लोग कहते हैं, जिस पर चोटियाँ स्थित हैं, वो हमको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र में सातवाहन जैसे शासकों का, यादव वंश का भी शासन यहाँ पर देखने को हमको महाराष्ट्र में देखने को मिला है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि महाराष्ट्र में जो शिवाजी का साम्राज्य था, वो यहीं से शुरुआत होता है। महाराष्ट्र यानी मराठों का साम्राज्य का जो उदय होता है, जो मराठा साम्राज्य शक्तिशाली बनता है, वो महाराष्ट्र में ही बनता है। देखिए तोरण की विजय का संबंध जो है, हम मराठा विजय से जोड़ के देखते हैं। मराठा विजय का संबंध तोरण की विजय से है, और तोरण की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में, ठीक है ना। तो यहीं पर चीज़ आपको तोरण का किला भी देखने को यहीं पर मिल जाएगा। आगे धीरे धीरे जब लोग पढ़ेंगे तो 1960 में दोस्तों जो महाराष्ट्र है वो गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात दो नए राज्य बनते हैं। महाराष्ट्र गुजरात दो राज्य कब डिवाइड होते हैं, जब 1960 में बनते हैं, यानी गुजरात में पढ़ चुके हैं। देखिए मैंने वहाँ ही बताया था कि 1960 में जो है गुजरात बनता है और महाराष्ट्र बनता है, ठीक है। गुजरात की जो विधानसभा सीटें हैं वो 288 हैं दोस्तों, लोकसभा सीटें 48 हैं, राज्यसभा सीटें 19 हैं, और राजकीय तितली जो है, राजकीय तितली जो घोषित की गई है वहाँ पर, वो ब्लू मार्मन प्रजाति की तितली है, जिसे ब्लू मार्मन कहते हैं वो है। अब यहाँ पर और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या देखनी है हमको, जैसे मुंबई यहाँ पर आप देखेंगे तो मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है ना। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। इसे भारत की वाणिज्यिक राजधानी का दर्जा भी दिया गया, वाणिज्यिक राजधानी का दर्जा भी दिया गया है। फिर हम देखेंगे अल्फांसो प्रजाति का जो आम है, जो आप सुनते होंगे अल्फांसो प्रजाति का आम, वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, और वो रत्नागिरी जिला इस जगह पर पड़ेगा दोस्तों। तो रत्नागिरी जिले से इसका निर्यात किया जाता है, अल्फांसो प्रजाति के आम का निर्यात किया जाता है। और एक चीज़ और देखें, मुंबई में दोस्तों धराबी एक जगह है, एक प्लेस है जहाँ पर काफ़ी बड़ी मलिन बस्ती देखने को मिलती है। मलिन बस्ती जानते हैं ना, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, तो धराबी है। तो धराबी में सबसे बड़ी मलिन बस्ती आपको देखने को मिलेगी, एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है दोस्तों, याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती कहाँ देखने को मिलेगी, मुंबई में, जो कि धाराबी में है, याद करिएगा इसको। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कालसूबाई के बारे में, हम लोगों ने पढ़ लिया कालसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊँची चोटी है। अब देखेंगे हम नासिक में हमने एक चीज़ देखा कि त्र्यंबक नामक स्थान से गोदावरी नामक नदी निकलती है, ठीक है। उसके अलावा नासिक में महत्वपूर्ण कुंभ मेला, नासिक में ही कुंभ मेला, जैसे कि प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, वैसे भी नासिक में भी कुंभ मेला लगता है। फिर देखें हमें एक जगह है नागपुर, जो कि आपको पूरब में देखने को मिलेगा, जिला महाराष्ट्र में नागपुर महत्वपूर्ण नगर भी है महाराष्ट्र का। ये जो है संतरा और सूती वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो नागपुर दोस्तों किसके लिए जाना जाता है, वो है संतरा सूती वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है नागपुर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखे कुछ यहाँ पर शेडेड लाइन बना रखी है, यहाँ पर ये देखिए पूरा एरिया मैंने घेर रखा है। ये पूरब के कुछ जिले हैं, इकट्ठा जिले हैं, जैसे कि नागपुर है, नागपुर को मैंने ले लिया, वर्धा है, भंडारा है, चंद्रपुर है, गढ़चिरौली है, जिस जगह हैं, और भी जिले हैं, डेढ़ डेढ़ के और भी जिले हैं, ठीक है ना, और जिले भी हैं यहाँ पर। इस जगह पर कई जिले हैं, कम से कम 11-12 जिले हैं। तो 11-12 जो जिले हैं वो यहाँ पर, ये जो 11-12 जिले एक डिस्प्यूटेड एरिया बना हुआ है। कैसे एरिया बना है, जो यहाँ के लोग हैं, जो ये जिला है, ये पूरा इसको काटना चाहते हैं महाराष्ट्र से, और काट कर इसे विदर्भ राज्य का दर्जा देना चाहते हैं। मतलब मांग है कि जो पूरब का जो महाराष्ट्र जो ये निकला हुआ हिस्सा देख रहे हैं महाराष्ट्र का, इसको विदर्भ एक नया स्टेट बना दिया जाए। इसकी मांग तेज़ी से चल रही है, जैसे तेलंगाना और जैसे आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया, उस तेलंगाना का हिस्सा अलग बनाना चाहते थे लोग, और आंध्र प्रदेश का अलग हिस्सा बनाना चाहते थे, उसी प्रकार से ये भी मांग चल रही है कि विदर्भ को अलग कर लिया जाए, किससे, महाराष्ट्र से, ठीक है। मतलब कि विदर्भ नाम का एक नया राज्य बन जाए, और कुल मिला के आपके 29 राज्य हो जाएँ, जो कि 28 राज्य वर्तमान में हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो विदर्भ जो है वो किसका हिस्सा है, अगर विदर्भ देखा जाए तो महाराष्ट्र का हिस्सा है, ठीक है। अगर हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं विदर्भ, तो विदर्भ में आपको पूरा महाराष्ट्र आ जाता होगा ना, तो विदर्भ पूरा महाराष्ट्र नहीं है, ये पूर्वी हिस्सा जो है विदर्भ कहलाता है, लेकिन इसको एक अलग स्टेट की मांग चल रही है इसकी।
तो ये चीज़ आप लोग याद रखेगा। एक जगह है आपका याद रखेगा यहीं पर, तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ छूट नहीं रहा है मेरे हिसाब से, तो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। महाराष्ट्र में ही आपको एक देखने को मिलेगा भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा कि भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो दोस्तों महाराष्ट्र में है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या याद रखना है, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, इसको खूब अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। बाकी पहाड़ियाँ मैंने बता दी, जो महत्वपूर्ण जगह है वो मैंने बता दी, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी मैंने बता दी आपको, जो कि बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया कि ऊपर से कौन सी आ रही है, नीचे से कौन सी आ रही है। एक बार फिर से बता दूं कि ऊपर से पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, ठीक है, ये सब नदियाँ आ रही हैं, और नीचे से मंजरी नाम की एक नदी, जो नदियाँ तो और भी कई जुड़ रही हैं इसके साथ, लेकिन ये महत्वपूर्ण नदियाँ जो कि आपकी परीक्षा में बार बार आती रहती हैं या आ सकती हैं, वो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र का मैप है आपको आज ये पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं धीरे धीरे सारे स्टेट आपको क्लियर करता चला जा रहा हूँ। सभी स्टेट को आप मैप अपने पन्ने पे एक जगह कॉपी लीजिए, उसको बना लीजिए, उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जितने मैंने बता दी इतना आप बना के धीरे करके अब पन्ना जोड़ लेंगे तो पूरी की पूरी आप इंडियन ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं। ना वहाँ पर अलग से आपको नदियाँ पढ़ने की ज़रूरत है, ना अलग से पहाड़ियाँ जरूरत पढ़ने, ना तो स्टेट के अलग से पढ़ने, ना उन स्टेट के बारे में अलग से पढ़ने की जरूरत है। धीरे और जब आप इसको कंपाइल करेंगे तब देखेंगे पूरा भारत आपका एक साथ तैयार हो चुका है और स्टेट इतना अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा डिटेल में कि आपको अलग से पूरे भारत का इतिहास पढ़, भारत का आपको मैप पढ़ने का या आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अलग से भारत का सब्जेक्ट के रूप में आपको स्टडी करने ही नहीं पड़ेगा, मैप के माध्यम से आपने बहुत सारा पूरा पढ़ लिया और दिमाग के अंदर पूरा मैप है, सारे स्टेटों का मैप है। जब उसको कंपाइल करेंगे तो आप देखेंगे पूरा का पूरा भारत बनके तैयार हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।